ये है सुंदरपुर गांव और यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। निकम्मा तो हवे करे, लगता है कि पगला उला ली गया है। पापा, ये लिफाफे में ऐसी चीज है ना कि आप देख लीजिएगा तो आप भी पगला जाइएगा। ऐसा क्या है लिफाफा में जिसको देख के हम पगला जाएंगे रे? लाजो नहीं लगता है जवान बेटा के सामने जवानी वाला हरकत करते हैं। अब बताइए काहे इतना खुश है? अपन बेटा के सरकारी नौकरी लग गया है, चपरासी बन गया है। चपरासी? सरकारी नौकरी? हाँ बबुआ, चपरासी बन गया। हाँ चंदन के माए। हाँ अरे खुश रहा बबुआ, खुश रहा। हम बबुआ के केहू के नजर ना लगे। आइन के डाइन के टोला के मोहल्ला के अड़ोस के पड़ोस के सबके नजर गुजर जर के राख हो जाए। हम डाइन थोड़ी ना जाए, हमारा पर ठुक रहे हैं। अरे आप पे कहाँ थूक रहे हैं जी, ये खबर ना हम अपने माई की सुना देते, सुनेगी तो बहुत ही खुश होगी। जे है से माए। चुप रहिए, सुनाएंगे ना की? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। अरे माई को सुनाइए, भाई को सुनाइए, भौजाई को सुनाइए, बहन को सुनाइए और सबको सुनाइए, खुशी वाला बात है। ए बाबू तनी फोन निकाल, नानी के फोन लगाओ ना। नानी के नंबर? अरे जल्दी लगाओ ना। सुनिए ना, तनका हमरो बहन के फोन करके बता दीजिएगा। नकट्टी डैन को हम फोन नहीं करेंगे। अरे आपकी बहन है, आप खुदे कर लीजिए। ले मम्मी लग गया नानी के फोन। हेलो, हाँ प्रणाम माई। खुश रहा बेटी। ए माई, तो नाती के ना सरकारी नौकरी लग गया, वो चपरासी में। अरे वाह, बहुत खुश होली सुन के। हाँ, ले नानी से आशीर्वाद ले। प्रणाम नानी। खुश रह नाती, खुश रह, खूब आगे बढ़। बड़ा गाँव वाला सब कह रहा था और ताना भी मार रहा था, नहीं कर पाएगा, हो गया ना नौकरी। अरे ला, हेलो अमाई, सुन ना, हम ना तुम्हें बाद में फोन करेंगे, तनी बड़की दीदिया को भी खबर दे देते, हमारे बबुआ की सरकारी नौकरी लगा है, सरकारी। बबुआ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है। आप कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं। लगता है इनके पिताजी में दम नहीं है। वैसे बाबू क्या करते हैं आप? बेरोजगार है। प्रणाम आप सभी को, एक साथ प्रणाम। हमारा नाम हुआ माखन महतो और हम हुए इनके पड़ोसी। क्या चाचा, सही कहे ना? हाँ। देखिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये लड़का बेरोजगार है, सच पूछिए तो एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। अभी निकम्मा है, पढ़ रहा है तो नौकरी हो ही जाएगा ना? नौकरी हो जाएगा? साइकिल के पीछे करियर पर किताब बांधकर घूमने से नौकरी थोड़ी होता है। नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, घसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। क्यों जी? बात तो सही है। विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है, अल्पहारी, गृह त्यागी, घर घुसारी। लगता है आप भी फेले विद्यार्थी है ना? हम लिखे पढ़े हैं, खूब बढ़िया लिखते हैं, खूब बढ़िया पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी के 5 काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, तथैचा, अल्पहारी, गृह त्यागी, ये होता है। जो भी होता है,
लेकिन उन पांचों लक्षणों का इस लड़के में कोई लक्षण नहीं है। ठीक है, जब चलते हैं हम लोग। हाँ, आप चलिए। और आपका यहां से चले ही जाने में आपकी भलाई। नौकरी करेंगे। पड़ोसी है, जलता है। आप कुछ बताए नहीं? देखिए, हम ज्यादा घुमा फिरा कर बात तो नहीं करेंगे, जो कहेंगे सीधा मुंह पर कहेंगे। हम अपनी बेटी का शादी एक बेरोजगार लड़का से तो नहीं करेंगे। चलिए ना। सुनिए, पढ़ रहा है तो नौकरी हो ही जाएगा ना। प्रणाम। जी प्रणाम। की फे कौन कौन कुटुम आयल था? हो हमार बेटा के अगुआ आयल था। अच्छा अच्छा, ब्याह फिक्स हो गया की? नहीं नहीं फिक्स हुआ। अरे कैसे होगा फिक्स, लड़का जो बेरोजगार है, भला कोई अपन बेटी के हाथ कोई बेरोजगार के हाथ में काहे देगा? अब पहले वाला बात नहीं रह गया फेकन कि धंधा न पानी, फिर भी मिल गया कमसिन जवानी। अब चाहिए पहले धंधा पानी, फिर मिलेगा कमसिन जवानी। समझा रे छोड़ा, जवानी के रस चूसने के लिए नौकरी के पीछे भौरा की तरह मंडराना पड़ेगा। तू चिंता ना कर फेकन, तोर बेटा के ब्याह ना होगा, काहे से कि तोर बेटा के जन्म में नौकरी नहीं लगेगा। एकदम सही कह रहे हैं रामरूप चाचा। मजाक ना उड़ाओ कोई के हो। चल जल्दी, हमारे लेट होते हैं, हमारे टीशर्ट का टांग में मालिश भी करावे के है। सोच रहे हैं? कुछ ना कुछ ना। चल बेटा। कहाँ पापा? अरे चल ना। गुरुजी। साला ये दोनों कौवा जैसा कहाँ कहाँ कहे कर रहा है। गुरुजी। आप बहुत चुप। भैया जी पान। बोल, कहला क्या क्या कर रहा था रे? गुरुजी, आपके पड़ोसी फेकन का बेटा का सरकारी नौकरी लग गया है। नौकरी लग गया? काची में नौकरी लगा है रे? गुरुजी, चपरासी, चंदनमा चपरासी बाबू बन गया है। घंटा बाबू बना है ओइसन ओइसन ढेर चपरासी के हम एजा रखते हैं और झांट वैल्यू नहीं करते हैं। माकन भैया, आप चाहे वैल्यू कीजिए या ना कीजिए, लेकिन सरकारी नौकरी का जलवा ही अलग होता है, फिर चाहे वो चपरासी हो या फिर बड़का बाबू। अरे चूना कत्था लगाने का काम है, चूना कत्था लगा, हमारी घमंड मत जला। गुरुजी, इतने नहीं, दोनों बाप बेटा खुशी से पगलायल है। चल देखते हैं। भैया पैसा। आए लीजिए मिठाई खाइए, हमारे बेटा के सरकारी नौकरी लग गया है। अरे लीजिए लीजिए मिठाई, हमारे बेटा का सरकारी नौकरी लग गया है। रुके रुके, लीजिए मिठाई खाइए, हमारे बेटा का सरकारी नौकरी लग गया है। चलिए चलिए आगे चलिए, बहुत आगे बांटना है। अरे फेकन तनिक ज्यादा ना खुश हो रहा है, लग रहा है इसे कर बेटा चपरासी ना कलेक्टर बाबू बन गया है। सार कहीं के
जी हमारा दोस्त के सरकारी नौकरी लग गया है। लीजिए मिठाई खाइए। हो राम रे भाई लीजिए खाइए मिठाई। आप बड़ा कह रहे थे ना कि हमारा बेटा का नौकरी नहीं लगेगा, लग गया नौकरी। अरे हम कहिया कहे थे कि नौकरी नहीं लगेगा, और हम तो समझाए थे कि नौकरी के पीछे भावड़ा की तरह भागना पड़ेगा तब जाके नौकरी लगेगा। आ लग भी गया और गांव समाज के नाम रोशन रोशन कर दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, वो सब बात छोड़िए, लीजिए खाइए मिठाई। चाचा एगो और मिठाई दीजिए ना। अरे बुड़बक सब तोरे मिठाई दे देंगे तो रामरूप भाई ऐसा छोटा आदमी को क्या देंगे। ठीक है दे दीजिए दे दीजिए। लीजिए रामरूप भाई उठाइए उठाइए मिठाई। ना ना अरे शर्माइए नहीं रामरूप भाई, अरे उठाइए उठाइए। एक एक हम बजावा हो देख रहा है बेटा के नौकरी होकी थे बोली बदल गया। रामरूप चा आधा मिठाई हमरो दीजिए ना, साला हमको नहीं दिया है। ले चार जो तनका तू मिठाई खा ले ले। गुरु जी खा लीजिए ना, चाचा कितना प्यार से खिला रहे हैं। तेरे माई के पूरा हंसते लगले ले साला ले जो रे माखन। हम जानते हैं अंदर अंदर तेरा पूरा गाँव जलल है, तैयो ले खा ले अरे खा ले रे माखन ले खा ले। गुरु जी खा लीजिए ना, कितना प्यार से चाचा खिला रहे हैं सबको। ज़्यादा फड़फड़ाइए नहीं, लड़का आपका चपरासी बना है, राजा नहीं। रे हाँ कहा चपरासी हो रहा हो या कुछ हो, सरकारी नौकरी है ना रे। खा कैसे लिया तो? खा कैसे लिया सर? साला सुअर। चल अरे रजवा कहाँ है? हमारा की मालूम कहाँ है? साला समझ गए कहाँ होगा। क्या दो ना है? क्या नहीं, जो होगा शादी के बाद ही होगा। मन है अभी अधूरी शादी के बाद। अच्छा ठीक है ले लो। बेटी तो आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर ये तो करिए दिए होंगे, हमको पता है काहे कि आप लोग अपने आदमी हैं, और नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए। यहाँ पर नीचे शेयर बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जिसको मन किसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवा दिए कीजिए। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है तो इंतजार कीजिए और अपना प्यार दीजिए।